स्टूडेंट वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराव। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जितने भी स्टूडेंट हमारे NBS ऑडिट असिस्टेंट के हैं, जितने भी स्टूडेंट NBS ऑडिट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट एंड जितने भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं अपडेट दे दूं। अभी 7 मई तक इसका लास्ट डेट था और अब इसका फॉर्म एक्सटेंड हो गया है, 14 मई तक इसका लास्ट डेट पहुंच गया है। मतलब अब फिर डेट बढ़ गया है, 2 बार इसकी डेट बढ़ चुकी है। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए हैं फॉर्म वगैरह, जाइए फॉर्म को आप अप्लाई कर लीजिए, तुरंत अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। NBS ऑडिट असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, NTA एग्ज़ाम करा रही है, काफ़ी अच्छा, ये समझ सकते हैं ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और इसकी बेसिक सैलरी, पे स्केल वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चालू कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दे चुके हैं, आप सबके जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम, ये लगभग जुलाई अगस्त में 100% आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अभी से आप मेहनत करना चालू कर दीजिए, डेली बेसिस पे अपनी मतलब स्टडी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो यही कहना था, बाकी आज आपसे आपकी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी यूट्यूब पे ये क्लासेस मैं थोड़ा बहुत लाता रहूँगा, बाकी इसके लिए मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं NBS ऑडिट असिस्टेंट के लिए, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लॉन्च कर दिया है। हमारी टीम ने पूरी तरीके से आप सभी के लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट वगैरह लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको ये 40 मॉक टेस्ट है। 40 मॉक टेस्ट मतलब एक मॉक जैसा आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में 40 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के आने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट में आपका 40 क्वेश्चन है कॉमर्स का, ऐसे आपको 40 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। इतना अगर आप लगा लेंगे ना, तो 100% कॉमर्स को लेकर आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन थियरी न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप जरूर है जरूर लगाइए इसको, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको 5100 प्लस क्वेश्चन का ई बुक आपको मिल रहा है। ये ई बुक जो है ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। ई बुक में क्या है, आपका पूरा 130 मार्क्स आपका कवर हो रहा है। इसमें मैथ, रीजनिंग, GS, GK, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स, कंप्यूटर, इन सभी के बेहतरीन क्वेश्चन सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज ऐड किया गया है। तो ये ई बुक आपके एग्जाम स्पेशल बनाया गया है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो ई बुक आपको उसके साथ ही मिलेगा, ठीक है। ई बुक को भी पढ़िए, टेस्ट सीरीज को भी लगाइए, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। 40 क्वेश्चन में अगर आप 100% अगर दे देते हैं आप टेस्ट सीरीज और ई बुक में, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाइए। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप, वहाँ से टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाइए, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको ई बुक वगैरह ये मिल जाएगा, ओके। आज की यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आज का जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं, लाइक UPPCL, बिहार अकाउंटेंट, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट, हरियाणा ऑडिटर, उत्तराखंड ऑडिटर, जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में कॉमर्स को लेकर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आज ये क्लास मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को देखिए, नोट्स वगैरह जरूर बनाइए। इसका जो PDF है मैं लिंक में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर लेना, ओके। या तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ऑडिट नोटबुक में शामिल होता है, ऑडिट नोटबुक कंटेन क्या कंटेन होता है, क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले ऑडिट नोटबुक है क्या, देखिए अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ये सभी लोग रहते हैं, ठीक है, कंपनी के मालिक होते हैं ये लोग। लेकिन सभी कंपनियां अपने यहाँ एक ऑडिटर अपॉइंट करती हैं। ऑडिटर कौन होता है, जैसे एक कंपनी में जितना भी रुपए पैसे का लेन देन होता है, या मैं कह दूं कि लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जितना भी आपका फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है, बनता है, ठीक है, आपके कंपनी का, वो कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है, अकाउंटेंट मेंटेन करता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन करता है, आपका अकाउंटेंट करता है, आपका लेखाकार करता है। जब इसने क्या किया, सभी चीज़ें इसने बना दिया, क्या बना दिया, सभी इसने फाइनल अकाउंट बना दिया, लेजर बनाया इसने, सभी बुक्स को मेंटेन किया। अब इसको वेरीफाई करने का काम, चेक करने का काम किसका होता है भाई, कंपनी के मालिक तो करेंगे नहीं, शेयर होल्डर्स, भाई उनके पास टाइम इतना कहाँ है। तो वो अपना समय बचाने के लिए, या मैं कह दूं कि अपने कंपनी के जितने भी वित्तीय लेखे जोखे हैं या फाइनेंशियल रिकॉर्ड जितना भी कंपनी का है, उसमें नज़र बनाए रखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, क्या अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं किया है, या हमारे अकाउंटेंट से कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय, तो इन सभी का वेरीफिकेशन, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, वेरीफिकेशन और सभी डेटा को चेक करने के लिए वो एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर मतलब, ठीक है, ऑडिटर जो लेखा परीक्षक होता है, ठीक है, अकाउंटेंट, लेखाकार, ऑडिटर आपका लेखा परीक्षक, मतलब लेखों की छानबीन करने वाला, जांच करने वाला, ठीक है, ऑडिटर आपका होता है। ऑडिटर एक वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड पर्सन होता है, जिसने CA वगैरह किया हुआ है। मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपके ऑडिटर अपॉइंट होते हैं कंपनी में, तो ये ऑडिटर कंपनी वाले अपॉइंट करते हैं,
ठीक है, सभी अकाउंट्स को, बुक्स को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। और फ्यूचर में कंपनी पर अगर कोई भी नुकसान वगैरह आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ऑडिटर ही हेल्प करते हैं। एक तरीके से हम कहते हैं कि ऑडिटर कंपनी का क्या होता है, वॉच डॉग होता है, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। वो कंपनी पर नज़र बनाए रखता है, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करता रहता है। ठीक है, तो ऑडिटर जब अपना काम स्टार्ट करता है अपॉइंट होने के बाद, तो वो एक ऑडिट नोटबुक बनाता है। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, वो ऑडिट नोटबुक में सारी चीज़ों को लिखता है कि कब उसे, मतलब कहाँ कहाँ, मतलब उसे जाना है, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड कैसे चेक करने हैं, कहाँ से उसे वाउचर्स कलेक्ट करना है, किन वाउचर्स को उसे चेक करना है, किस डेट तक उसे रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करना है, रिपोर्ट उसे किसे देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है अपनी सुविधा के लिए। मतलब उसकी उसकी एक पर्सनल डायरी होती है ऑडिटर की, वही होता है आपका ऑडिट नोटबुक। किस डेट से काम स्टार्ट करना है, ठीक है, कार्य का विवरण वो पूरी तरीके से मेंशन करता है। ठीक है, कि डिटेल पूरा कार्य का, अपना वर्क का पूरा डिटेल पूरा लिखता है उसमें, कि आज एक तारीख को यहाँ पर, मतलब परचेज बुक को वेरीफाई करेगा, दो तारीख को सेल्स बुक को। ठीक है, सारी चीज़ें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, किन किन डेट में सभी को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, कंपनी का कितना एसेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ है, सभी का वेरीफिकेशन वैल्यूएशन करता है, तो वो अपनी डायरी में लिखता है, उसे हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। क्लियर? तो देखिए ये होता क्या है, आपको क्लियर हो गया, मतलब वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंसेस, सब जैसे होता है रेफरेंस, वो अपना रेफरेंस देता है, रेफरेंस लिखता है कि किस किस डेट से उसे काम स्टार्ट करना है अपना। डिटेल ऑफ वर्क, अपने कार्य की पूरा डिटेल देता है। ठीक है, एंड नोट्स रिगार्डिंग आइटम्स रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, अपने जितना भी जिसने उसने अभी तक जितना टास्क कवर कर लिया है उसकी जानकारी उसमें वो लिखता है, क्लैरिफिकेशन अपना स्पष्टीकरण देता है, पूरा डिटेल में देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका, ओके, ऑडिट नोटबुक। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑडिट नोटबुक अनिवार्य रूप से एक नोटबुक दस्तावेज होता है। ठीक है, एक आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, एक नोटबुक होता है आपका, जहां ऑडिटर ऑडिट के दौरान सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जितना भी उन्हें एविडेंस मिलता है कंपनी की तरफ से, उसको भी वो उसमें रिकॉर्ड करता है, लिखता है, जितना भी एविडेंस, जितना भी सबूत मिलता है, जितनी टिप्पणियाँ मतलब जितना ऑब्जर्वेशन वो कलेक्ट करता है, कार्यों का रिकॉर्ड उसमें पूरी तरीके से वो मेंटेन करता है, लिखता है उसमें। यह ऑडिटर के लिए एक डायरी की तरह होती है, जो अपने काम पर नज़र रखने और ऑडिट प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया आपको ऑडिट नोटबुक क्या होता है? या सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ऑडिटर वही लिखते हैं जो वो क्या पाते हैं, क्या करते हैं, ऑडिट के दौरान उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब अगर ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है, मान लेते हैं जितना भी साल भर में कंपनी ने जितना परचेज किया है गुड्स वगैरह, तो परचेज जितना भी ट्रांजेक्शन किया है कंपनी ने, उसको कैसे वेरीफाई करेगा भाई? सभी का अलग अलग वाउचर्स मंगाएगा। 10,000 का अगर कंपनी ने परचेज किया तो 10,000 का वाउचर कहाँ है? 1 मार्च का 10,000 का वाउचर कहाँ है? तो उस वाउचर को वो पूरा कलेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, ऐसे जितना भी स्पेसिफाइड डेट में जितना ट्रांजेक्शन हुआ है सभी का वाउचर से वो मिलान करेगा, तो जो भी उसे आवश्यकता है उसको वो वहाँ पे मेंटेन करता है, लिखता है। ठीक है, इससे यह सुनिश्चितता मिलती है कि सब कुछ काम ठीक तरीके से हो रहा है, अपनी सुविधा के लिए ये यूज़ करता है ऑडिट नोटबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक लेखा परीक्षक है, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर कंपनी का ही एम्प्लॉई होता है, कंपनी का ही कर्मचारी होता है, और ये कंपनी का परमानेंट मेंबर होता है, कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉई होता है। ठीक है, वैसे मोस्टली जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं ये कंपनी के बाहर के एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के बाहर के आदमी होते हैं। ठीक है, ये वेल क्वालिफाइड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि कंपनी के मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में, साधारण सभा में, ठीक है, ये निश्चय लेते हैं कि कंपनी का ही कोई एम्प्लॉई वो ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का आदमी है तो जाहिर सी बात है कंपनी के जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से उससे परिचित रहता है। ठीक है, कंपनी का क्या क्या कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे सारी जानकारी रहती है, तो इसीलिए कई बार कंपनी के ही जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ही ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, इसका यह काम होता है कि कैसे क्या कंपनी में, मतलब इसका काम क्या होता है, अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो इंटरनल ऑडिटर कंपनी का ही व्यक्ति होता है जिसका काम होता है या जांचना होता है कि सब कुछ सही तरीके से, सही ढंग से किया गया है कि नहीं, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड किया गया है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, रुपये पैसे का लेन देन करते समय कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फ्रॉड चीटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंपनी का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किन जगह खर्च हो रहा है, किन नियमों के अनुसार, कंपनी कौन कौन सी रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है, कंपनी के एम्प्लॉई कुशलता से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का वो नज़र बनाए रखता है, इन सभी चीज़ों को चेक करता है इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है? वाउचिंग का उद्देश्य देखिए,
वाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो वाउचिंग का उद्देश्य होता है वाउचर्स की जांच करना। जैसे आप अगर मान लेते हैं कोई भी सामान, अगर आप मान लेते हैं फैमिली मार्ट या वी मार्ट जा रहे हैं खरीदने के लिए, आपने मान लेते हैं कि 500 रुपये का आपने शर्ट खरीदा, तो फैमिली मार्ट वाला या वी मार्ट वाला की मैं बात करूँ, तो ये आपको एक बिल देगा आपको, ठीक है, एक बिल ये आपको देगा। ये क्या होगा? ये इसके लिए सेल्स वाउचर होगा, ठीक है, सॉरी, ये आपके लिए परचेज वाउचर होगा। ये आपके लिए क्या होगा? परचेज वाउचर होगा। आपने खरीदा है तो आपको एक बिल मिलेगा, वो आपका परचेज वाउचर होगा, और एक वाउचर ये अपने पास रखेगा कि इतना सेल्स वाउचर जिसे कहते हैं, ये अपनी सुविधा के लिए रखेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रांजैक्शन वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट भूल जाता है, मान लेते 500 की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये वाउचर के हेल्प से वो पता लगा लेता है कि कितना मिस्टेक हुआ है, कितना फ्रॉड हुआ है, ये सारी चीज़ें वो क्लियर कर लेता है। तो नियमित रूप से वो वाउचर्स की जांच करता है, जितने भी वाउचर्स हैं, चाहे परचेज वाउचर हो, सेल्स वाउचर हो, परचेज रिटर्न वाउचर, सेल्स रिटर्न वाउचर, सभी की वो जांच करता है। तो वाउचिंग का जांच, वाउचिंग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव वाउचर की क्या होता है? जाँच करना होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तैयार करना ये अकाउंटेंट का काम होता है, तो ये तो गलत है। नियमित जांच करना, कंडक्ट रूटीन चेकिंग ऑडिटर का ही वर्क होता है, लेकिन ये यहाँ पे वाउचिंग की बात का है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। लेन देन की प्रमाणिकता अधिकार सत्यापित करना, मतलब ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना ट्रांजेक्शन का, तो ऑडिटर का ही वर्क है, लेकिन यहाँ वाउचिंग पूछा है तो वाउचर्स की जाँच करना, ये आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खातों की किताबों में जो रिकॉर्डिंग की गई है, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है, वो साक्ष्य के साथ समर्थित है कि नहीं, मतलब जितना हमने परचेज किया है उसी के अकॉर्डिंग उसमें दर्ज किया गया है कि नहीं दर्ज किया गया है। मतलब सिंपल वर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग टू मेक श्योर एवरी ट्रांजैक्शन, जितना भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, चाहे सेल्स किया है, परचेज किया है, उस सबको रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इस बैकअप विथ एविडेंस, एविडेंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है। जैसे 500 रुपये, अगर मैं एक बिजनेस मैन हूँ, 500 रुपये का मैं मान लेते 5000 की सेलिंग आज मैंने किया, तो जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा तो ये 5000, मान लेते एक बार 2000, एक बार 3000, ऐसे ही मैंने सेल किया होगा, अचानक तो 5000 मान लेते नहीं सेल किया, छोटे छोटे अमाउंट में, तो सभी को हम वाउचर के हेल्प से बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेल्स वाउचर में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वाउचर के हेल्प से ही तो रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। वाउचिंग का उद्देश्य यह होता है कि रसीदों की जाँच करने जैसा है कि व्यवसाय में आने और जाने वाले पैसों की उचित हिसाब किताब किया गया है कि नहीं किया गया है, मतलब बिजनेस में हमारा जितना पैसा कैश फ्लो हो रहा है, कितना पैसा कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसकी सही तरीके से जाँच किया गया है कि नहीं जाँच किया गया, ये वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपसे कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं बताइए। तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरी लेखा प्रणाली, एक ट्रांजैक्शन होता है तो दो लोग उसमें मौजूद रहते हैं, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, ठीक है, एक गेनर मतलब एक रिसीवर होता है, ठीक है, रिसीवर, और एक आपका क्या होता है, मतलब रिसीवर आपका एक होता है और एक आपका गिवर होता है, ठीक है, दो लोग होते हैं, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, देने वाला एक लेने वाला होता है, कोई डेबिट होता है, कोई क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट की रूल की बात करें तो जो पैसा पा रहा है वो डेबिट होगा, जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है, तो डेबिटर क्रेडिटर, तो ये पूरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, जितने भी अभी तक मैंने कोर्सेज किया हुआ है, ठीक है, जितना अभी तक कोर्स चल रहा है, अगर आप बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप NBS ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं और आपको परफेक्ट तैयारी करनी है तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे लेटेस्ट बैच जो UPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्लासेस डिटेल में चल रही हैं, आपका NVS का लगभग 50% सिलेबस उससे कम, 50% नहीं, आपका टोटल 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा और बाकी सब पढ़ाया जाएगा। तो देखिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज़ 2 पार्टी, रिसीवर एंड गिवर, इसमें 2 पार्टियाँ होती हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, सही है आपका। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये भी सही है भाई। 500 रुपये का अगर आप मान लेते हैं, 500 रुपये का अगर मान लेते हैं कुछ परचेज करते हैं आप, ठीक है, तो आप 500 रुपये जिससे आप खरीद रहे हैं, मान लेते राम से आपने खरीदा तो राम पाने वाला है, इसको हम डेबिट करेंगे, और आप 500 रुपये क्या करेंगे, कैश के थ्रू से दे रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट करेंगे आप, ठीक है, तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इसमें समान होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, ये भी आपका सही है। रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट, ठीक है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट आपका होता है, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का ये रूल है। तो इनमें से आपका क्या सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड, ये दोनों सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे पूछा है फीचर्स, विशेषताएं आपसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ट्रांजैक्शन होगा तो 2 पार्टियाँ तो होंगी, लेकिन यार डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब डेबिट क्रेडिट की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से आपका ये दोनों सही होगा, पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है, ये सही हो गया, और टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इक्वल होता है, ये सही हो गया, तो ये दोनों आपका सही होगा, क्लियर। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कोई भी लेन देन होता है एवरी ट्रांजेक्शन में,
दो एंट्रियाँ आपकी होती हैं, एक खाते में मतलब एक खाते में जमा होता है और दूसरे खाते से क्या होता है पैसा विड्रॉ होता है। क्लियर। अब वेरीफिकेशन, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड टू सेपरेट अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है दो अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिससे मिस्टेक भी आपका नहीं हो पाता है। जैसे अगर आपने परचेज किया है तो आप अपने परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब जिसको आपने सेल किया मतलब जो आपसे मतलब जिससे आपने खरीदा है वो तो अपने यहाँ सेल वाउचर तैयार करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने माल सेल किया है। आपने खरीदा है तो आप परचेज वाउचर तैयार करेंगे, ठीक है। तो दो अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। चलिए अब ज़्यादा नहीं, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा इसको। या जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। 40 मॉक टेस्ट है विथ 5100 क्वेश्चन का ईबुक आपको साथ में दिया जा रहा है, जो आपका पूरा कंप्लीट मतलब 90 मार्क्स आपका ये पूरा कवर करेगा। और कॉमर्स का अगर ले लें तो 40 मार्क्स ये तो पूरा आपका 130 मार्क्स ये पूरा ईबुक आपका कवर करेगा। और ये 40 मॉक टेस्ट है, ये कॉमर्स मॉक टेस्ट है, आपका पूरा 40 मार्क्स ये आपका कवर करेगा। 99 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। हमें यहाँ पे सीक्वेंस जो दिया गया है इसको सही, कौन सा सीक्वेंस सही है, बस ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले हम जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब पहले जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं। जनरल आपका क्या होता है, एक प्राइमरी बुक्स होती है। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सब्सिडी बुक बनाते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर सब्सिडी बुक के बाद हम क्या तैयार करते हैं, लेजर तैयार करते हैं। सभी बुक्स जितना भी बुक्स हमने बनाया सभी का अलग अलग अकाउंट हम बनाते हैं, लेजर जिसे कहते हैं। सभी अकाउंट को हम लेजर में ओपन करते हैं। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जितना भी ट्रांजेक्शन जो हमारा छूट चुका है, नहीं रिकॉर्डिंग हुई है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं, एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, फाइनल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, वर्कशीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका सही है, ए इज द राइट आंसर। अब इन लोगों में क्या क्या गलत है इसको जरा देखिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज बोल रहा है, गलत है पहले ही। वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट पहले दे दिया। वर्कशीट मतलब बैलेंस शीट, इसी का बैलेंस शीट का ही नाम यहाँ वर्कशीट दिया गया है। तो पहले आप बैलेंस शीट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस से पहले ही, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे फिर एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं, सबसे पहले आप जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। तो गलत है, ए सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पैसिओली ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक अलग से मिल गया, इसमें दो आंसर हैं। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, जनक कौन है, तो वो आपके लुकास पैसिओली हैं, जो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा आंसर आपको मिल गया, ये इटली के रहने वाले थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जन्मदाता होता वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए डेबिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक, मेन बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। जैसे बैंक पासबुक की अगर मैं बात करूं, देखिए जब आप पैसा जमा करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, अपने बैंक में आपने गया, आप SBI में आपका खाता है, आप SBI में गए, पैसा आपने जमा किया, जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करते हैं आपके मोबाइल पर मैसेज आता है क्रेडिट का। और जब आप अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज क्या आता है, डेबिट का। अगर आप पासबुक प्रिंट भी कराते हैं तो सेम यही आता है, जितना पैसा आपने जमा किया है वो क्रेडिट वाले में दिखाएगा, क्रेडिट कॉलम में दिखाएगा, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया है वो डेबिट कॉलम में दिखाएगा, राइट। अब देखिए जब आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस होता है, आप ही का पैसा है, तो वो आपका क्या क्रेडिट साइड में, अगर भाई आप पैसा जमा कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, डेबिट साइड से, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्रेडिट बैलेंस आपका क्या होगा, ये फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, आपका पैसा है, क्लियर। अब दूसरा देखिए, अब मान लेते हैं कि आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपके अकाउंट में कितना रुपया है, 0 रुपीज़ है। अब बैंक वाला आपसे कहेगा कि भैया आपकी सिविल अच्छी है, आपने पिछली बार भी मुझसे लोन लिया था, ठीक है, आपने समय पे पेमेंट कर दिया था, आपकी सिविल के आधार पे, आपकी ईमानदारी के आधार पे बैंक वाला आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा, आपको बैंक वाला लोन भी दे सकता है, शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकता है, ठीक है, आपका पैसा नहीं है लेकिन बैंक वाला आपको दे रहा है। या मान लेते हैं अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, आपको 20,000 की तत्काल ज़रूरत है, बैंक वाला आपको आपसे आपके अकाउंट से 20,000 निकालने की अनुमति देगा, ठीक है, 10,000 आपके अकाउंट में, लेकिन 10,000 वो अपनी तरफ से देगा, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपका पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा होता है, और ये आपका क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, आपका पैसा नहीं है। तो हम जब आप एक्स्ट्रा पैसा निकालोगे अपने अकाउंट से,
जाहिर सी बात है आपके क्रेडिट साइड में पैसा कम है, आप डेबिट साइड पैसा निकालोगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो इस कंडीशन में डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से, तब आपका डेबिट बैलेंस होता है। और जो डेबिट बैलेंस होता है इसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका पैसा नहीं होता है तो बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस जो आपका होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है, बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, आपको बैंक आपकी सिविल के आधार पे आपको पैसा देता है, ठीक है, बैंक अकाउंट से आपको पैसा निकालने का। बैंक एक तरीके से लोन की तरह आपसे ट्रीट करता है, नॉमिनल आपसे इंटरेस्ट भी लेता है बैंक, 2% 4% सभी बैंकों का अलग अलग है, बैंक आपसे इस पे इंटरेस्ट भी लेता है। ये पैसा आपको पे करना भी रहता है, मतलब एक इंस्टॉलमेंट बन जाता है और प्लस इंटरेस्ट आपसे बैंक इस पे लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा आपको नहीं पे करना है, अगर आपको बैंक ने दिया है तो वो आपसे मंथली क्वार्टरली जब भी चाहे वो आपसे एक पूरा मेमोरेंडम आपको देगा पूरी लिखकर, ठीक है, आपको पे करना रहेगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो डेबिट बैलेंस बैंक पासबुक का क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्लियर, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि बैंक पासबुक में जो डेबिट बैलेंस होता है इसका मतलब होता है कि बैंक खाता में पैसे निकालने की राशि उस समय अधिक है जब जमा की गई राशि, मतलब अगर आपने 10,000 जमा किया आपको 15,000 की ज़रूरत है तो 15,000 आप निकाल सकते हैं, अपनी जमा राशि से ज़्यादा निकाल सकते हैं, यही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसका मतलब व्यक्ति बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल चुका है जिसका खाते में उतना पैसा उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट का टॉपिक है। देखिए सब मैं मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, किसी एक टॉपिक को नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सभी मिक्स मैं लेकर चल रहा हूँ, ओके। ये आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए कई बार होता है कि हम जितना भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, देखिए आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने यहाँ एक कैशबुक मेंटेन करते हैं, कैशबुक आप तैयार करते हैं, और जितना भी लेन देन आप बैंक से करते हैं, किससे, बैंक से, तो बैंक आपके कैशबुक की एक कॉपी तैयार करता है जिसे हम कहते हैं पासबुक कहते हैं, और आप क्या मेंटेन करते हैं, आप कैशबुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। आप जितना भी ट्रांजेक्शन आप बैंक से करेंगे आप अपने कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो आपका अकाउंटेंट मतलब आपका लेखाकार जिसको आप अपने यहाँ काम पे रखे हुए हैं वो रिकॉर्ड करेगा आपके बिजनेस में, ठीक है। और बैंक से आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक वाला खुद ही अपना तैयार करेगा, जितना भी ट्रांजेक्शन आप बैंक से करेंगे बैंक अपना नियत समय पर अपने आपके पासबुक में उतना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता जाएगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला आपके अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक वाला आपके अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करेगा। तो बैंक तो अपना ट्रांजेक्शन आपके पासबुक में रिकॉर्ड करेगा, और आप जितना ट्रांजेक्शन बैंक से करोगे आप कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे। कैशबुक में दो कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, एक सिंपल कॉलम होता है। तो जितना बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है, कई बार होता है कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को, वो लोग हमने तो अपने कैशबुक में से उतना पैसा मतलब 10,000 अगर हमने किसी को पेमेंट किया चेक के थ्रू, हमने तो कैशबुक में 10,000 कम दिखा दिया, कैशबुक में हमने माइनस कर दिया उतना पैसा, लेकिन अभी वो गया ही नहीं चेक पेमेंट लेने के लिए बैंक, तो जाहिर सी बात है हमारे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, लेस हुआ ही नहीं, तो डिफरेंस आ गया ना। तो इसी डिफरेंस को ठीक करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। या कई बार होता है कि हम बैंक में चेक के थ्रू चेक से हमने जमा कर दिया, बैंक में गए 1,00,000 का चेक हमने जमा कर दिया, हमने तो अपने कैशबुक में दिखा दिया कि हमने इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन बैंक वाले ने कोई काम नहीं किया, अभी उसने चेक क्लियर नहीं किया, ठीक है, सैटरडे पड़ गया, संडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी, वो उसने क्लियर ही नहीं किया, टाइम लग रहा है 2 दिन का समय, तो बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच बैलेंस में डिफरेंस आएगा कैशबुक और बैंक पासबुक में। इसी डिफरेंस को ठीक करने के लिए, न्यूलीफाई करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आइए क्या होता है, अब देखिए ये कौन तैयार करता है, सभी लोग तैयार करते हैं, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म भी अपना तैयार करता है, कॉरपोरेट बॉडीज़, जितने भी कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं ये सभी तैयार करते हैं, चाहे जैसा भी बिजनेस हो, चाहे जैसी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सभी अपने यहाँ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब बैंक नहीं तैयार करता, ये आप खुद तैयार करते हो, आपका अकाउंटेंट तैयार करता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ओके, समझ में आया आपको, या अब इसमें हाँ ये है, कैशबुक के अनुसार बैंक सेस के बीच मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं रिकंसाइल करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, डिफरेंस बैंक बैलेंस और कैशबुक के बैलेंस में जितना भी डिफरेंस आता है उसको रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। भाई ऑल टाइप ऑफ बैंक कस्टमर हुएवर मेंटेन बैंक अकाउंट, बैंक के जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी लोग हैं वो बैंक में खाता खुला सकते हैं, चाहे जैसे कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका एक अकाउंट जरूर बैंक में होगा, कैसी भी कंपनी हो सभी कंपनियों का एक खाता बैंक में जरूर होता है, ठीक है, लेन देन तो बैंक से होता रहता है, ठीक है, सभी प्रकार के ग्राहकों द्वारा जो कोई भी बैंक खाता रखता है वो इसको, ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं।
हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न बाय, किराया खरीद प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है, तो एक एक्ट है हायर परचेज एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग हायर परचेज सिस्टम आपका क्या होता है, गवर्न किया जाता है, शासित होता है। जो रूल लागू होता है हायर परचेज सिस्टम का वो हायर परचेज एक्ट, परचेजेज एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग वो रूल लागू होता है। ये होता क्या है हायर परचेज सिस्टम, ध्यान से देखिए, किराया खरीद प्रणाली किसी व्यवसाय द्वारा शासित होती है, और इस प्रणाली में जो होता है कि आप जैसे मोबाइल आप लेने जा रहे हैं, आपने फाइनेंस करा लिया, अब आप फाइनेंस कराने के बाद 5,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, और 20,000 की मोबाइल है, मान लेते हैं 2,000 रुपये किस्त आपका बन गया, इंस्टॉलमेंट बन गया। आपको अभी तक मोबाइल का मतलब जिम्मा तो आपको दे दिया गया कि जाइए मोबाइल आप यूज कीजिए, लेकिन असली मालिक आप मोबाइल के नहीं हैं, अभी ये किराया माना जाएगा, हायर पे चलेगा, किराया माना जाएगा, जब तक आप पूरा 15,000 पे नहीं कर देते हैं, मतलब ये 5,000 आपने दिया, 15,000 प्लस इंटरेस्ट आप पे नहीं कर देते हैं, ठीक है, फाइनेंस कराने का जो रहता है, जो बची हुई अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट आप पे नहीं कर देते, तब तक आप इस मोबाइल के मालिक नहीं होंगे। तो यही होता है, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम, और ये एक्ट 1972 पे अभी बेस्ड है। कैश प्राइस इज इक्वल टू, कैश प्राइस आपका किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे कैश प्राइस आपका किसके इक्वल होगा, तो जितना भी आप डाउन पेमेंट करते हैं वही आपका कैश प्राइस होता है, ठीक है, कैश प्राइस नगद मूल्य आपका होता है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांच नॉट कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इट इज आल्सो नोन, मतलब लेखांकन की पूर्ण व्यवस्था न रखने वाली शाखा को क्या कहते हैं, ब्रांच चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि कौन से ब्रांच जो अपनी मतलब पूर्ण व्यवस्था अपना अकाउंटिंग खुद ही मेंटेन नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं ब्रांच के बारे में बताऊं, जैसे हेड ऑफिस, और जैसे SBI का हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में है, इसके ब्रांच पूरे ऑल इंडिया में है, हर जगह है, इंडिया के सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरी में, सभी जिलों में, सभी गांवों में SBI के अपने अपने ब्रांच हैं। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, और इसके ब्रांच पूरे इंडिया में है, ठीक है। तो ब्रांच आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, समझ में आया। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जैसे जो पूरी तरीके से उसको फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है, और डिपेंडेंट ब्रांच जैसे जो ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट रहते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच वो होते हैं जो अपना लेखा जोखा खुद नहीं मेंटेन करते हैं, वो हेड ऑफिस पे डिपेंड रहते हैं, हेड ऑफिस जितना भी इन्हें माल सप्लाई करता है, ठीक है, वो हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस ही अपना वो अकाउंट मेंटेन करता है, जितना भी ये माल बेचकर सेल करके जितना भी हेड ऑफिस को पेमेंट करते हैं, हेड ऑफिस ही उसका लेखा जोखा मेंटेन करता है, ठीक है। और जितना भी ये माल खरीदते हैं हेड ऑफिस से, या हेड ऑफिस या किसी कई जगह अदर जगह से माल खरीदते हैं, हेड ऑफिस को वो सारा डेटा वगैरह ये ट्रांसफर करते हैं। डिपेंडेंट होता है ये आश्रित होते हैं, पूरी तरीके से हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, ये अपना लेखा जोखा खुद ही तैयार करते हैं, जितना भी ये सेल करते हैं, जितना भी ये परचेज करते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी सप्लायर से, खुद ही मेंटेन करते हैं, और सारा जब डेटा ये तैयार कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस को ये देते रहते हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा फ्रीडम रहती है, खुलकर ये सेलिंग करते हैं, और ये हेड ऑफिस के अंतर्गत रहते हैं, हेड ऑफिस जो कहेगा उन्हीं को ये फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी ब्रांच अपना खुद ही अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं उन्हें डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, आश्रित शाखा कहते हैं। क्लियर, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जीएसटी पंजीकरण मतलब व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत सीमा क्या है। तो कितने रुपए का अगर टर्नओवर कर रहे हैं, कितने का माल अगर आप सेल कर रहे हैं, टर्नओवर आपके बिजनेस में हो रहा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। देखिए अभी फिलहाल जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑल इंडिया में कॉमर्स के, अभी तक जो आंसर एक्सेप्ट कर रहा है वो 20 लाख है। अगर आप 20 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड माल एवं सेवा कर, ये आपका है जीएसटी, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है पूरे इंडिया में, ठीक है। चार दरें हैं इसकी, 0 अभी हटा दें तो 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया, ठीक है। 0 को भी ले लें तो आपका 5% हो गया, 5 तरह की दरें हो गई, ठीक है, और 3 तरह के इसमें टैक्स आपसे 3 ही 4 हो गए हैं, SGST, CGST, IGST और UTGST, 4 तरह के आपके ये GST हो गए, टैक्स हो गया आपसे जो वसूला जाता है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन अगर वो 20 लाख का टर्नओवर करता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। लेकिन अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे या अदर किसी मतलब बुक्स वगैरह में देखेंगे तो 20 लाख तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको 40 लाख मिलेगा, ठीक है। जो नया डेटा आया है वो 40 लाख हो गया है। तो इसको अभी आप, मैंने यहाँ क्वेश्चन तो ऐड कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैं बाद में आपको कमेंट के जरिए लिंक में मतलब इस चैनल्स के लिंक में, इस वीडियो के लिंक में मैं एक बार इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, अपने माइंड में रखे रहिए। जीएसटी देखिए अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं 20 लाख ही एक्सेप्ट हुआ है, 20 लाख ही राइट आंसर माना गया है, ठीक है। अभी ये हमारे से अकाउंटेंट के पेपर में आया था तो वहाँ पर भी 20 लाख ही आंसर एक्सेप्ट किया गया था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपए व्यक्तिगत सीमा है, और जो पिछड़ा क्षेत्र है जैसे पहाड़ी एरियाज है वहाँ पे 20 लाख मतलब हिमाचल उत्तराखंड इन सब जगह है। और जब 20 लाख जो पहले था उस समय 10 लाख रुपये हिमाचल मणिपुर मेघालय के लिए था, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ओके।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अगर एक पर्सन है जो मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के लिए एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यस, ईच बिजनेस सेपरेटली, अलग अलग व्यवसाय के लिए उसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर वो एक से अधिक बिजनेस कर रहा है तो सभी बिजनेस के लिए उसे, जैसे अगर वो कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो अलग रजिस्ट्रेशन उसे कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मेंशन करना पड़ता है हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप टाइल्स या मार्बल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसका दिखाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका पैन बेस्ड जानकारी होती है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है इसको जरा समझिए। अगर एक व्यक्ति एक से अधिक बिजनेस कर रहा है तो उसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर एक ही बिजनेस वो एक ही राज्य में कर रहा है तब उसे एक ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन एक ही बिजनेस अगर वो अलग अलग राज्यों में कर रहा है तो उसे मे बी आगे दो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे यदि व्यक्ति के पास एक से अधिक व्यवसाय है तो उसकी वार्षिक सीमा निर्धारित अंक को पार करता है, मतलब 20 लाख 40 लाख जो है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपसे क्लियर किया हुआ है कि 20 लाख मिनिमम अगर आप मतलब टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। या अगर व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो एक ही राज्य में है, एक ही स्टेट में है, तो वार्षिक विक्रय सीमा केवल उसी राज्य के लिए गिना जाएगा, तब वह सभी व्यवसायों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन उसे कराना पड़ेगा। अगर उसका व्यवसाय एक से अधिक राज्यों में है तो उसे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इनमें से कौन सा अलाउंसेज जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। अब अलाउंसेज क्या होते हैं? अलाउंसेज मतलब भत्ते होते हैं, ये आपके एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयी को दिया जाता है, ठीक है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो आपके बॉस द्वारा आपको ये सैलरी के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको दी जाती है, यही आपके होते हैं भत्ते। ये इसलिए दी जाते हैं कि आप अपने इस महंगाई के ज़माने में खर्चों को पूरा कर सकें। बहुत तरह के भत्ते होते हैं, जैसे आप अपनी जीवन शैली अच्छी तरीके से क्या कर सकें, स्पेंड कर सकें, निर्वाह कर सकें, अपनी अच्छी जीवन शैली बना सकें, इसलिए आपको ये भत्ते दिए जाते हैं। अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए ये भत्ते अलग अलग होते हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा भत्ता आपके पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। तो जितना भी यूपीएससी का अगर कोई पर्सन मेंबर है तो उसको जितना भी भत्ता मिलता है पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल इनकम ये मानी जाएगी। कोई टीचर्स है, प्रोफेसर है जो सार्क देशों में मतलब प्रोफेसर टीचर है, तो उसको जो भत्ता मिल रहा है वो भी नॉन टैक्सेबल होगा। अगर आपको हाउस रेंट एचआरए मिल रहा है, जो भत्ता मिल रहा है, कुछ हद तक ये भी आपका क्या होता है, आपका नॉन टैक्सेबल होता है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये आपके सभी यहाँ पे राइट आंसर होंगे, तीनों सही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और भी डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉन टैक्सेबल अलाउंसेज मैंने आपको बता दिया, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं, ठीक है। नॉन टैक्सेबल मतलब अलाउंसेज आपके क्या होते हैं? पूर्णतः कर मुक्त भत्ते ऐसे होते हैं जिन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे से बाहर है, आपको कोई भी टैक्स इस पे नहीं दे रहा है इस तरह की इनकम पर, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड ये होते हैं। अब कौन कौन से आपके एग्जेम्प्टेड हैं यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट में देखूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जैसे अगर आपको एचआरए मिल रहा है आपकी कंपनी के तरफ से, या आप अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कंपनी के थ्रू से मिल रहा है, तो जितना आपको एचआरए मिला हुआ है, जितना आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता, तो 50% आपकी बेसिक सैलरी और डीएनए आपको जो महंगाई भत्ता मिल रहा है उन दोनों को ऐड करके जो 50% आएगा वो, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी का 40%, ठीक है, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता जोड़ के 40%। और तीसरा है कि आप जितना भी किराया आप पेमेंट कर रहे हैं, किराया पे कर रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके वेतन का 10% उसमें से घटा दिया जाएगा। तीनों में से जो कम रहेगा वही आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर टैक्स आपका नहीं लगेगा, तीनों में से जो कम होगा, ठीक है। जब मैं क्लास करूंगा तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। आपको अगर परिवहन भत्ता मिल रहा है तो प्रतिमाह आपका 1600 रुपये पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड रहेगा। आपके बच्चे हैं, दो बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए 100 रुपये, दो बच्चे आपके हैं तो 200 रुपये तक का आपका पूरी तरीके से ट्यूशन फीस अगर आप पे कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से जो ये भत्ता मिलेगा आपको आपके बच्चों का एजुकेशन के लिए जो मिलता है, 200 रुपये, एक बच्चे के लिए 100, दो बच्चे के लिए 200 रुपये आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। हॉस्टल, अगर आपके हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए भी आपको मिलेगा 300 रुपये प्रतिमाह, दो बच्चे के लिए है, ठीक है, एक बच्चे के लिए 300 रुपये और दो बच्चे के लिए 600 रुपये, एक महीने का मतलब 600 रुपये आपका पूरी तरीके से फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा आपके बच्चों का जो हॉस्टल फीस लगता है, ठीक है, उसके लिए हॉस्टल अलाउंसेस। यात्रा भत्ता जितना रहता है वो कई कंडीशन में पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होता है,
ठीक है, पूरी तरीके से। रोज़गार के दौरान जैसे अगर आप मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली भेजा जा रहा है, आप अपने खर्चे पे जा रहे हैं, तो जितना भी आप व्यक्तिगत अपना खर्चा करते हैं कंपनी के लिए, वो पूरी तरीके से आपका क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड आपका होता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, जितना इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में अटेम्प्ट किए हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इंडिया में, ये क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप इस NVS ऑडिट का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। एंड देन अगर आप कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका कोई बैच नहीं चल रहा है, लेकिन आप UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट जो बैच चल रहा है इस समय, उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो NVS ऑडिट का सिलेबस है लगभग 80% सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया, ठीक है। कहीं पर भी डाउट है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर एंड गुड बाय।